नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। If the total amount in the bag is rupees 35, how many coins of each type are there? क्वेश्चन में सिंपली कहा गया है कि हमारे पास में कुछ सिक्के हैं, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और उन सभी सिक्कों का जो अमाउंट है वो है 35 रुपये, 35 रुपीज़। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। चलिए पहले तरीके से सोल्व करें। मान लो कि आपके पास में टोटल जो सिक्के हैं वो हैं x, और वैल्यू हमें पता ही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 35 रुपीज़। तो सिंपली अब हम एक इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस x बाई टू यानी कि 50 पैसा, x बाई फोर यानी कि 25 पैसा, और टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, 35। अब हम इस इक्वेशन में से सिंपली जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व करेंगे। 1/4 को हमने कॉमन ले लिया, और बाद में जब हम इसको सोल्व किया तो हमारे पास में एक इक्वेशन बनी, वो आई 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 140। मुझे पता है कि आप इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे, फिर भी हम एक पार्ट को सोल्व करते हैं। जब हमने 1/4 को कॉमन लिया तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, x इंटू 1/4। तो जैसे हम बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताऊं ये सोल्व करते हैं, ये आ गया हमारे पास में 4x। ऐसे ही x बाई टू जो था उसको हम सोल्व करेंगे, x बाई टू इंटू 1/4 4x बटे 2, और 2 से 4 कटेगा तो क्या बच जाएगा, 2x। तो ऐसे करके हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी, जो 1/4 है इसको जब हम 35 यानी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 140। तो अब हमने क्या किया है, 4x प्लस 2x प्लस x कितना हो जाता है, 7x, और x का जो मान आएगा 140 डिवाइड बाई 7 वो आएगा 20। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में 20 कॉइन्स हैं, 1-1 के, एक एक के 20 सिक्के हैं, उनका मूल्य जो वैल्यू होगी वो भी 20 होगी। 20 सिक्के ही हमारे पास में हैं 50 पैसा के, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 10, और 20 सिक्के हमारे पास में हैं 25 पैसा के, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 5। तो 20 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। तो हमारा सही उत्तर क्या है, 20। अब दूसरा तरीका यह है कि हम पहले ही सभी जो भी आपके रुपीज़ हैं उनको हमने ऐड कर लिया, 1 रुपी प्लस 50 पैसा प्लस 25 पैसा, तो हमारा टोटल एक सिक्का बना और वो बना कितना, 1.75 का, 1.75 का। और अब हमें ये देखना है कि 1.75 के कितने सिक्के हमारे पास में हों जिनका मान जो है वो 35 हो। तो हमने माना कितने सिक्के होने चाहिए, x। तो सिंपली अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 35 डिवाइड बाई 1.75 जिसका मान आएगा 20, और जैसे कि हमने पहले निकाला था 1 रुपये के 20 सिक्के, 50 पैसे के 20 सिक्के और 25 पैसे के 20 सिक्के।
सिंपली हमारे पास में हमारा आंसर आ गया 20। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, अब दोबारा इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा कोई भी, उसे आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।